उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह कोई और ले सकता है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों ने आज सोमवार को फिर जोर पकड़ लिया है। इस बीच रावत का दिल्ली के लिए रवाना होना भी इस ओर इशारा कर रहा है। बताया जा रहा है कि रावत आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं आज शाम संसदीय बोर्ड की बैठक भी है। बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे या उनकी जगह कोई और लेगा। बता दें कि अगले साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों की माने तो अगर रावत सीएम पद के रेस से हटते हैं तो अगले मुख्यमंत्री की रेस में सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सबसे आगे हैं। बताते चले कि बीते शनिवार की शाम सीएम सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विधायकों ने कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह सहित भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद थे। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाम लगा दिया था, लेकिन आज सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र के दिल्ली रवाना होने के बाद अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। उत्तराखंड में भाजपा शासन के दौरान नेतृत्व परिवर्तन नया नहीं है। भाजपा शासन में मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा उत्तराखंड के गठन के बाद से देखने को मिलती रही है। पहले नित्यानंद स्वामी को हटाकर उनके स्थान पर भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को हटाकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बनाया गया था। इसके बाद फिर अगला चुनाव खंडूड़ी के नाम पर लड़ा गया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भाजपा बड़े फैसले ले सकती है। इस क्रम में असंतुष्ट सीनियर विधायकों को कैबिनेट में जगह देकर मामले को शांत किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।